छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में एसीबी और ईओडब्ल्यू का बड़ा एक्शन लेते हुए शराब घोटाले के आरोपी अनवर ढेबर को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि रायपुर मेयर एजाज ढेबर के भाई हैं अनवर ढेबर। मिली जानकारी के अनुसार कुम्हारी टोल प्लाजा के पास से अनवर ढेबर को गिरफ्तार किया गया है। ताजा जानकारी मिलने तक ईओडब्ल्यू एसीबी के दफ्तर में पूछताछ जारी है। राजधानी रायपुर में शराब घोटाले में ईओडब्ल्यू एसीबी का बड़ा एक्शन सामने आया है, जहां अरविंद सिंह के बाद अनवर ढेबर भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ईडी ने अनवर ढेबर को शराब घोटाले का किंग पिंग बताया है। ईडी के पत्र पर ईओडब्ल्यू और एसीबी ने केस दर्ज कर दिया है। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर ये छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला है क्या। दरअसल छत्तीसगढ़ में ईडी 2019 से 2022 के बीच हुए शराब घोटाले की जांच कर रही है, जिसमें ईडी के अनुसार चार तरीकों से भ्रष्टाचार किया गया था, जिसमें सीएसएमसीएल द्वारा डिस्टिलर से रिश्वत ली गई ताकि उन्हें कार्टल बनाने और बाजार में हिस्सेदारी तय करने की अनुमति मिल सके। FL-10A लाइसेंस धारकों से कमीशन, जिन्हें विदेशी शराब खंड में भी पेश किया गया था। इन सबको मिलाकर ईडी का दावा है कि छत्तीसगढ़ में 2100 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ है, और अब इस कार्यवाही में ईडी ने एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर को गिरफ्तार कर लिया है। इस खबर से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तो बने रहिए खबर बेबाक के साथ।